मूवी की स्टार्टिंग होती है 1990 के कश्मीर में, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनके पास रेडियो में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा होता है। फिर खेलते खेलते उन बच्चों में से एक, जिनका नाम शिवा है, अचानक सचिन तेंदुलकर का नाम जोर जोर से चिल्लाता है। इस वजह से वहां पर मौजूद कुछ मुस्लिम लड़के भड़क जाते हैं और वो शिवा को मारने लगते हैं, क्योंकि शिवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जगह हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के समर्थन कर रहा था। पर शिवा का दोस्त अब्दुल उसे जैसे तैसे करके बचा कर ले जाता है। रास्ते पर वो दोनों एक हिंदू महिला को एक आतंकवादी ग्रुप के द्वारा मरते हुए देखते हैं। असल में ये ग्रुप खुद को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं और फ्री कश्मीर की मांग करते हैं, साथ ही कश्मीर में रहे पंडित को मारकर यहाँ से भगाना चाहते हैं। उस ग्रुप का स्लोगन था कन्वर्ट लीव अटैक। इस ग्रुप का आतंक पूरे कश्मीर में छाया हुआ था। शिवा और अब्दुल रास्ते में ऐसे कुछ इंसिडेंट को देखते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। इधर शिवा के घर में उसके माँ बाबा उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। शिवा के पापा अपने पिताजी को कॉल करते हैं जो ऑडिटोरियम में होते हैं। शिवा के दादाजी यानी पुष्करनाथ पंडित इस थिएटर ग्रुप के लीडर थे, जो खुद एक पंडित थे और कश्मीर को जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। थिएटर के ये लोग आने वाले महाशिवरात्रि के लिए रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन अपने बेटे का फोन आते ही पुष्करनाथ अपने पोते के तलाश के लिए तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो शिवा और अब्दुल को अपने साथ स्कूटर पर बिठा कर अपने घर के तरफ निकलते हैं, लेकिन कश्मीर की हालत तब बहुत खराब थी। उनके सामने ही एक आर्मी की जीप को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था, लेकिन पुष्कर अपने पोते के साथ किसी तरह से उनसे बचकर अपने घर वापस जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते पर उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर लोगों को अपने लेक्चर दे रहे होते हैं और ये आतंकवादी ग्रुप बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रहे थे। पुष्कर उस भाषण सभा के पास से ही जैसे तैसे करके गुजर जाता है। फिर बिट्टा अपने आदमियों को लेकर पुष्कर के घर उसके बेटे को मारने आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि पुष्कर का बेटा यानी शिवा के पापा एक राइस ड्रम में छुपे हुए हैं, लेकिन बाहर उनके ही पड़ोसी यानी अब्दुल के अब्बा बिट्टा को बता देते हैं कि वो ड्रम में छुपे हुए हैं। बिट्टा अंदर जाते ही उस ड्रम को बाहर से फायर करता है, जिससे शिवा के पिताजी मर जाते हैं। ऐसे मौके पर पुष्कर भी वहां पर पहुंचता है और ये सब कुछ देखकर वो काफी टूट पड़ता है। फिर शिवा के माँ को बिट्टा शिवा के ही पापा के खून से लिपटे हुए राइस खिलाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे करने पर वो लोग शिवा और शिवा के छोटे भाई कृष्णा और उसकी माँ को छोड़ देंगे। यही से सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ एक एक्स आईएएस ऑफिसर ब्रह्मा दत्ता को दिखाया जाता है। वो और उनके तीन दोस्त पुष्कर के छोटे पोते कृष्णा के इंतजार में बैठे हुए हैं। पुष्कर का डेथ हो चुका है और कृष्णा उसके अस्थियों को लेकर दिल्ली से कश्मीर ब्रह्मदत्ता के घर आने वाला था। इससे पता चलता है कि ब्रह्मदत्ता के तीन साथी, जिसमें एक डॉक्टर, जर्नलिस्ट और एक पुलिस डीआईजी, जो पुष्कर के काफी करीबी दोस्त थे, और उनके डेथ की खबर सुनते ही सभी ब्रह्मा के घर कृष्णा से मिलने के लिए आए थे। कृष्णा फिर वहां अपने दादाजी के अस्थियों को लेकर पहुंचता है। कृष्णा को पता था कि उसके माँ पापा का डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुआ है, उसे रियलिटी के बारे में नहीं पता था और इन चारों ने भी उसको सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर से सीन शिफ्ट होकर दिल्ली के एएनयू में चला जाता है, जहाँ पर एक कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर और उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राधिका अपने कम्युनिस्ट ग्रुप के सामने कश्मीर को इंडिया से फ्री करने की मांग करती है और लेक्चर देती है। वो सबको मना रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कश्मीर को अपने देश के साथ जुड़ा कर रखा है। स्टूडेंट्स भी राधिका को सपोर्ट कर रहे थे। हम उस ग्रुप में कृष्णा को भी देखते हैं। कृष्णा को असल में कश्मीर के 1990 में होने वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो भी राधिका के लेक्चर से मैनिपुलेट हो जाता है और इस कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ 370 को फिर से लागू करने की मांग करता है। और राधिका कृष्णा को बताती है कि 1990 में कोई भी टेररिस्ट नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीर पंडित को मारा नहीं गया था, वो खुद ही भाग गए थे। कृष्णा बार बार ये बात सुनकर इसी को ही सच मानने लगा था। सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर पुष्कर अपने पोते के सेफ्टी के लिए ब्रह्मा दत्ता के पास आए हैं। ब्रह्मा दत्ता उसे बताते हैं पीएम से भी वो इस बारे में बात किए हैं, लेकिन कश्मीर के सीएम और इंडिया के पीएम बहुत अच्छे दोस्त है, इसीलिए पीएम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मैटर
के लिए उनके दोस्ती में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी ब्रह्मा दत्ता पुष्कर को हेल्प करने की प्रॉमिस करते हैं और अपनी कार से पुष्कर को घर पहुंचा देते हैं। लेकिन रास्ते में जैसे ही पुष्कर सब्जी खरीदने के लिए उतरता है और सब्जी खरीदने के बाद जब इंडियन करेंसी के नोट देते हैं, तब दुकानदार उसे पाकिस्तानी नोट वापस करता है और जोर जोर से कहता है कि कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तानी नोट ही चलेगा क्योंकि वो लोग कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। इसे देखकर और सुनकर ब्रह्मा दत्ता ने उस आदमी को अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद ब्रह्मा दत्ता अपने सामने हिंदू महिलाओं के ऊपर मुस्लिम महिलाओं का अत्याचार भी देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाते। फिर एक दिन सुबह उनके सामने 3 एयरफोर्स ऑफिसर को चौक में टेररिस्ट मर्डर कर देते हैं और उस चौक में वो लोग इंडियन फ्लैग को हटाकर अपना फ्लैग लगा देते हैं। हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार ब्रह्मा दत्ता झेल नहीं पाता और वो कश्मीर के सीएम के पास जाते हैं और इस मैटर को कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं, लेकिन सीएम उल्टा ब्रह्मा को ही इस मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल बता देता है और उसे सस्पेंड कर देता है। फिर सीएम बिट्टा कराटे से मिलने के लिए जाता है, मतलब सीएम भी बिट्टा के साथ मिला हुआ है और उनके सपोर्ट में थे। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट डे पे ब्रह्मा दत्ता के घर पर आ जाता है जहाँ पर बातों बातों में जेनोसाइड का बात चलाने लगते हैं। तभी कृष्णा इसका प्रोटेस्ट करता है और यूनिवर्सिटी में सिखाई हुई बातों को यहाँ बोलने लगता है, जिसे सुनकर ब्रह्मा दत्ता कुछ ऐसा कह देता है जिससे कृष्णा को डाउट हो जाता है। फिर वो अपने फैमिली के बारे में सच जानने की कोशिश करता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है सच बताने के लिए। फिर ब्रह्मा दत्ता कृष्णा को उसके फादर के डेथ के बारे में बताता है, कैसे पुष्कर अपने फुल फैमिली को लेकर एक रिफ्यूजी कैंप में चला गया था और रास्ते में जिन लोगों ने भी उसके हेल्प किए थे उन सबको टेररिस्ट ने मार दिया था। ये सब सुनकर कृष्णा की डाउट क्लियर हो जाती है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी में कश्मीर के बारे में कुछ अलग ही सिखाया गया था, लेकिन असली फैक्ट तो कुछ और ही है। उस टाइम पे हॉस्पिटल में भी हिंदुओं को मार दिया गया था। ऐसे और भी अलग अलग किस्म के अत्याचार झेलना पड़ा था कश्मीरी पंडितों को। कृष्णा फिर अपने पुराने घर पे जाकर अपने दादाजी के अस्थियों को बहाकर आता है और बिट्टा कराटे से मीट करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि प्रोफेसर राधिका ने यूनिवर्सिटी के इलेक्शन जीतने के लिए बिट्टा से मिलने के लिए सजेशन दिया था। इसे साफ पता चल जाता है कि राधिका भी उस टेररिस्ट से मिली हुई है। फिर बिट्टा से मिलने के बाद बिट्टा कृष्णा को कुछ अलग ही रिपोर्ट देता है कि कश्मीर पंडितों को आर्मी ने मारा था और उसका ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले पंडितों को बचाने के लिए फाइट करते हैं। बिट्टा खुद को भगत सिंह के साथ कंपेयर करता है जो कि एक फ्रीडम फाइटर था। कृष्णा ये सब सुनकर फिर से मैनिपुलेट हो जाता और सीधा ब्रह्मा दत्ता से झगड़ने लगता है। फिर ब्रह्मा दत्ता 3 फाइल निकालते हैं जहाँ पर लाखों हिंदुओं की डेथ का डॉक्यूमेंट था, जहाँ पर कृष्णा अपने मॉम और अपने भाई का भी रिपोर्ट देखते हैं जिन्हें टेररिस्ट ने मारा था। फाइनली कृष्णा को समझ आ जाता है कि असल में उस टाइम क्या हुआ था और कैसे पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। फिर हमें एवेन्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर राधिका कश्मीर के ऊपर गलत भाषण दे रही होती है। कृष्णा वहाँ पर पहुँचता है और माइक लेकर कश्मीर का पूरा हिस्ट्री सबके सामने बोल देता है, कैसे इस्लामिक लोग वहाँ आकर मुनि ऋषियों पर अत्याचार करके धीरे धीरे वहाँ पे राज करने लगते हैं और पंडितों का फ्रीडम भी छीन लिया जाता है और कैसे उन लोगों के माँ बहन के साथ गलत काम भी किया जाता था। कृष्णा अपने खुद की फैमिली स्टोरी भी वहाँ पर बताता है। फिर सीन कट होकर उसी रिफ्यूजी कैंप में चला जाता है जहाँ पर कृष्णा के फैमिली रहते थे। एक दिन विट्टा कराटे आर्मी के ड्रेस में वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बचे हुए कश्मीरी पंडितों को मार देते हैं। वहाँ पर शिवा और कृष्णा के माँ भी मारी जाती है और ऐसे ही इमोशनल सीन के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।